संबोधन कारक ने किया। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, ए, अरे, ओ इत्यादि। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, ए, अरे और ओ। इसमें देखिए जातिवाक चक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं संबोधन कारक के एकवचन में एकारांत हो जाती है और संबोधन कारक में जातिवाचक बहुवचन संज्ञाओं में ओ तथा यो विभक्ति चिन्ह लग जाता है। अगला नियम है संबोधन कारक में संज्ञाओं से पहले, संबोधन कारक में संज्ञाओं से पहले ये ए ओ अरे अरी हे ए ओ अरे अरी हे ए ओ अरे और अरी आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें दे दिया हे प्रभु कृपा करो, उदाहरण है जैसे हे प्रभु जैसे उदाहरण हे प्रभु कृपा करो हे प्रभु कृपा करो ए लड़के वही रुक जा, ओ भाई जरा बात सुनो, ओ भाई, ओ भाई जरा बात सुनो, जरा बात सुनो हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। तो देखिए ये उदाहरण बनते हैं। संबोधन कारक में चिन्ह होता है हे अरे और ओ। संबोधन कारक में संज्ञाओं से पहले जो संज्ञा होती है उससे पहले हे ए ओ और अरे या फिर अरी अरे और अरी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये उदाहरण है प्रभु कृपा करो, ये संबोधन कारक का चिन्ह हो गया। ओ भाई जरा बात सुनो, जैसे और उदाहरण बन जाते हैं ए लड़के संबोधन वाचक चिन्ह वही रुक जा, अरे मूर्ख, अरे ओमा मूर्ख संबोधन वाचक चिन्ह सारी पुस्तक का नाश कर डाला, अजी अजी के आगे संबोधन वाचक चिन्ह अजी सुनो तो ये लड़का क्या कह रहा है। तो इस प्रकार ये आपके संबोधन वाचक के नियम हो गए। जातिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं संज्ञाएं संबोधन कारक के एक वचन में एकारांत हो जाते हैं, जैसे लड़का का बन जाता है आपके लड़के, लड़का इसका आपके बन जाता है एकारांत ए हो जाता है, आ है आ का ए हो जाता है आपके। जातिवाचक आकारांत है ये जाति है, लड़का क्या है जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक, तो लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में ये का में आ है और आ का ए हो जाता है तो लड़का का क्या बन जाता है लड़के। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जाति व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक, तो लड़का एक जाति है। यहाँ लड़का में का में आ है स्वर वर्ण,
अब जो अकारांत स्वर वर्ण वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं वो एकारांत में ए में बदल जाते हैं। लड़का लड़के, लंगड़ा लंगड़े, मोटा मोटे, नशा नशे, तो इस प्रकार हो जाता है। लड़के संबोधन कारक चिन्ह जरा इधर आओ, लड़के संबोधन वाचक चिन्ह जरा इधर आओ। फिर अगला नियम हो जाता है संबोधन कारक में जातिवाचक बहुवचन संज्ञाओं में ओ तथा यो विभक्ति चिन्ह लग जाता है। मित्र में बन जाता है मित्रों, संबोधन वाचक चिन्ह लग जाता है। तनिक इधर भी देखो, सज्जन का बन जाता है सज्जनों, सज्जनों संबोधन वाचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, और फिर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सज्जनों संबोधन वाचक चिन्ह, फिर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर अब चुनाव में जुट जाना ही बुद्धिमानी है। अब कहीं कहीं संबोधन कारक में संबोधन क्रिया से ही आरंभ हो जाता है। इस स्थिति में संबोधन सूचक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम लगाया जाता है। कहीं कहीं संबोधन कारक में संबोधन क्रिया से ही आरंभ हो जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, संबोधन क्रिया से ही प्रारंभ हो जाता है। जो क्रिया होती है उसी से ही संबोधन कारक प्रारंभ हो जाता है। इसके जो उदाहरण है वो देखिए। अब संबोधन क्रिया से प्रारंभ हो जाता है, पहला पहली चीज इसमें नियम है, संबोधन क्रिया से प्रारंभ होता है, क्रिया से प्रारंभ संबोधन क्रिया से प्रारंभ हो जाता है। और क्या हो जाता है, इस स्थिति में संबोधन सूचक चिन्ह, जो संबोधन सूचक चिन्ह है ये, इसको बोलते हैं संबोधन सूचक चिन्ह। ये जो संबोधन सूचक जो चिन्ह है, इसका लिख देता हूं मैं, संबोधन सूचक यानी संबोधन की सूचना देने वाला चिन्ह। संबोधन सूचक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम लगाया जाता है। यह होता है आपके अल्प विराम। ये जो चिन्ह होता है ये होता है अल्प विराम, है ना। जैसे उदाहरण लेते, सुनो मैं आज देर से लौटूंगा। सुनो उदाहरण है इसका, सुनो यह लगा दिया ये चिन्ह। अब आगे लिख दिया मैं आज देर से लौटूंगा। सुनो मैं आज देर से लौटूंगा, सुनो मैं आज देर से लौटूंगा। देखिए यहां पे आ गया ये अल्प विराम। और संबोधन क्रिया से आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण बन जाएंगे, कहिए कहां चल दिए, कहिए के आगे अल्प विराम आ जाएगा, और लास्ट में कहां चल दिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तीसरा उदाहरण बन जाएगा, उठिए अल्प विराम, उठिए अल्प विराम का चिन्ह, गाड़ी आने का समय हो गया है, खड़े पाए। चौथा उदाहरण, देखिए अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम, देखिए अल्प विराम का चिन्ह, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहन होता। तो इस प्रकार ये आपके हमने सबसे पहले कारक की परिभाषा जानी, कारक के भेद कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, उसके बारे में जाने, और फिर कारक के चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर कर्ता कारक के नियम पढ़े, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, और उसके बाद में हमने अपादान कारक, उसके बाद में हमने अधिकरण कारक, और फिर आज हमने
अधिकरण कारक के नियम के आगे हमने आज लास्ट जो संबोधन कारक है उसके बारे में पढ़ाई की। तो इस प्रकार यह आपके हिंदी व्याकरण में कारक का चैप्टर है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।